प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई है, जहां चुनाव तय कार्यक्रम के अनुरूप शनिवार को प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचे। यहां गहमा गहमी के बीच प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म हासिल किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, जहां चुनाव कार्यक्रम निर्धारित होने के बाद शनिवार से नामांकन फॉर्म लेने का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान दोनों ही पैनल के सदस्यों ने नामांकन फॉर्म लिए हैं। वहीं कुछ सदस्यों ने चुनाव अधिकारी के समय पर न पहुंचने संबंधित अलग अलग मामलों पर नाराजगी दर्ज कराई है। श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष मंजीत सिंह रिंकू भाटिया ने बताया कि यह सबसे शॉर्ट कैंपेनिंग का चुनाव होगा। आज पेपर में विज्ञप्ति दी है तो जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे राजेंद्र सिंह जी, वो अभी तक जब से चुनाव की घोषणा हुई है, आप देख लीजिए अभी 2 बज रहे हैं, अभी तक तो वो आए नहीं है, है ना। और कल उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया कि आज आप 3 तारीख से इसकी प्रक्रिया चालू हुई। अब 3 और 4 में आप नामांकन भरेंगे, 5 और 6 को वापसी है, उसके बाद 7 को आपको वो आपका जो भी चुनाव प्रचार के लिए आपको निशान मिलेगा उसको लेकर आप प्रचार करोगे और 11 तारीख को वोटिंग होगी। मेरे ख्याल से ये सबसे शॉर्ट टाइम का कैंपेनिंग का चुनाव होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मान लीजिए कि क्वेश्चन मार्क है कि 3 तारीख को आज पेपर में विज्ञप्ति आने के बाद और नामांकन वापसी के बाद सिर्फ प्रचार के लिए आपको 3 दिन मिलेंगे। इसके लिए मेरे को बहुत सारे संगतों के फ़ोन भी आ रहे हैं, शिकायत भी आ रही है, क्योंकि आज अभी तक सूची का प्रकाशन ही नहीं हुआ। तो ये एक प्रॉपर जो एडॉप्ट करना चाहिए हमको प्रोसेस, वो प्रोसेस एडॉप्ट नहीं हुआ, लेकिन चुनाव 11 तारीख को है और अभी ये सब चीज़ हुई है। तो अब इसके लिए हम पत्र अभी आ रहे हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी ऐसा बता रहे हैं कि वो आ रहे हैं, आएंगे, आने के बाद उनसे बात करते हैं कि कैसे इस चीज़ को प्रोसेस करके प्रक्रिया को पूरा करना है। फतेह पैनल संयोजक हरपाल सिंह भाटिया ने बताया कि नामांकन फॉर्म लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है, सभी नामांकन फॉर्म ले रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम फतेह टीम यहाँ पे आज आई है और अपने फॉर्म हमने नामांकन जो है यहाँ पे लिए हैं। और ये तो देखो ये चुनावी माहौल है, ये हर जगह चलता है, ये 3-4-5 दिन का जो गहमा गहमी है। और देखिए अब चुनाव अधिकारियों का ये इंटरनल मसला है, इसमें मेरा बोलना नहीं बनता है, उनके क्या परमिशन से उनके पास क्या है वो सब सुने, जो शेड्यूल लॉन्च किया है वो शेड्यूल को देखते हुए हम लोग आज आए हैं और हम लोगों ने अपना पहले पूरा इसकी फ़ीस जमा करके हम लोगों ने फॉर्म ले लिए हैं। कल 11 से 4 इनका समय है फॉर्म जमा करने का, हमारी पूरी टीम कल 11 से 4 के बीच में फॉर्म जमा कर देगी और पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से भाईचारे से प्यार से हर चीज़ हो। छोटा मोटा गहमा गहमी भैया भाई लोग हैं सारे आपस में, सिख समाज शुरू से ही आपस में ये छोटा मोटा गहमा गहमी होती रहती है, लेकिन बाकी ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं है, सब अच्छे तरीके से हम लोग भाई साहब ये सब चीज़ें हम लोग जब कल फॉर्म जमा करेंगे हम उसमें ही ओपन करेंगे। भाई साहब देखो इसमें आपत्ति क्या, गुरुद्वारे की रसीद कट रही है, आप वैसे भी सेवा करते हैं, सारी सेवा करते हैं, और अगर कुछ अगर इसमें खर्चा भी बहुत हो जाता है गुरुद्वारे का सब हो जाता है, अगर इसमें अगर कोई 2100 रुपए चार्ज रखा है तो बहुत नॉमिनल चार्ज है और ये होना भी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई है, जहां चुनाव तय कार्यक्रम के अनुरूप शनिवार को प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचे। यहां गहमा गहमी के बीच प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म हासिल किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।